સેલવાસ ખાતે ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા તથા પ્રશાસન દ્વારા સેલવાસના ઝંડા ચોક ખાતે આવેલ પ્રાથમિક શાળામાં ચેસ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેલવાસ નગર પરિષદ અને લાયન્સ ક્લબ તથા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા યોજાયેલી વિવિધ કેટેગરીની ચેસ સ્પર્ધામાં સંઘ પ્રદેશમાંથી 200થી વધુ સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં 3 કેટેગરીમાં વિજેતા બનેલ ખેલાડીઓને રોકડ તથા મેડલનો પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. प्रदेश भर में अपनी सेवा दे रहे लायंस क्लब के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण और जितने भी महानुभाव जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में प्रथम बार जिला स्तर पर आयोजित इस बड़े और भव्य आयोजन में अपनी सहभागिता दिए हैं, उन सभी का मैं हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं. आप सभी का स्वागत है. अभी सर ने बहुत बढ़िया आजादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसके अंतर्गत सिलवासा लायंस क्लब और सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल के सहयोग से आज सेंट्रल प्राइमरी स्कूल झंडा चौक पे चेस कंपटीशन रखा गया था. इसमें करीबन 200 बच्चों ने, 200 प्रतिभागियों ने इसमें सहभाग लिया. काफ़ी सारे अभिभावक भी यहाँ पे उपस्थित हुए और एक सुंदर एक स्टेज बच्चों को प्रदान किया गया. जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक्स में भी हमारे भारत के सारे खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और इस माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही हमारे सारे छोटे छोटे प्रतिभागियों को ऐसा एक मंच हम उनको उपलब्ध करा के देंगे कि जिसके माध्यम से उनकी प्रतिभा उभर कर आएगी और आने वाले समय में हम सिलवासा शहर से अच्छे खिलाड़ी दे पाएंगे.